प्यार से जीना, हिंसा मन वचन कर्म से नहीं करना। दूसरा है सत्य, हमेशा सच बोलो। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, गलत क्या बोलूँगा, जो है साफ साफ बोल रहा हूँ ना भाई। हमारा आपका फ्रीक्वेंसी मिल रहा है ना, अगर किसी की भावना का ठेस हो तो मैं पैर पर के माफी मांग लूंगा। लेकिन मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर, वर्ल्ड का रैंक नंबर वन प्रोफेसर, क्योंकि मैं ऐसा बताता हूँ ना बच्चे खूब समझते हैं। कोई ऐसा है जो नहीं समझाओ, वेरी ग्रेटनेस है, क्योंकि आप समझ रहे हैं। ये तो बहुत गुरु जी होंगे, खूब पढ़ा के चले गए, आपने क्या पढ़ा के गए भाई, नोट उठ लिख दिया लेके आ गया, फिर क्या पढ़ाया। अभी भी बहुत गुरु जी पढ़ाते होंगे, अभी भी जरूरत है क्या पढ़ाते जैसे। तो साधना करोगे तो तपस्या से ही पारमिता प्राप्त होगी, क्या बच्ची सही बोल रहा हूँ। तो इसीलिए बेटा मैं बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि जब मैं नहीं समझूंगा तो आपको कैसे समझाएं। तो शांति का मार्ग है अहिंसा, दूसरा है सत्य, अस्त्य चोरी चुवारी नहीं करना, चौथा जो है जो बोले इमोशन ऑफ सेक्स बहुत पावरफुल होता है, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, तो हमारे जीवन का अभिनंदन है। उसके बिना हम मर जाएंगे, पैदा भी नहीं होंगे, बाल बच्चे नहीं, सृष्टि खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको नियंत्रित करो, समाज के कानून कायदे के दायरे में उसको, अंदर की बात है वो, समाज और बाहर नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपरिग्रह, ओ मीन्स दूसरे का, ओ मीन्स दूसरे का, ओ मीन्स नहीं, परि मीन्स दूसरे का, ग्रह मीन्स ग्रहण मत करो। अब जैसे इसकी किताब है, मैं इसको ले लूँ, ये नहीं करना चाहिए। ओ मीन्स नहीं, परि मीन इनका है, ग्रहण कर रहा हूँ गलत है, चोरी है। ओ परिग्रह, दूसरों का कोई भी चीज़ मत लो, आपका जितना है संतोष से, समझ गए। तो यही शांति का मार्ग है। शांति का मार्ग बोलिए क्या, अहिंसा रखो यार, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बोलिए। रटा देता हूँ यार, बाद में फिर याद नहीं रहेगा, बोल आप ही बोलो। ये शांति का रास्ता है, ये क्या शांति का रास्ता, कोई चिंता नहीं, भड़का गुस्सा नहीं कर। अब देखो क्या हुआ, एक आदमी का घर गया मैं, तो एक उसको काम करने वाली चिल्ला रही थी, उसका नाम था तिवारी जी, वो चिल्ला रही तिवारी जी मर गए, तिवारी जी मर गए, और तिवारी जी मेरे साथ कॉफी पी रहे। अरे छोड़िए भाई, दूसरे तिवारी जी, वो तो जिंदा बैठे हुए। तो वो चिल्ला रही है तिवारी जी, क्यों भी मर गए, क्योंकि दोनों को लड़ाई हो गया था, गुस्से में वो गाली दे रही थी, तिवारी मर गया, साला तिवारी मर गया। अब देखो उसका दिमाग कितना भ्रष्ट, जीते जी हमारे साथ मेरे दोस्त कॉफी पी रहे हैं, उससे लड़ाई हो गया तो बोलता तिवारी मर गई, कितना है देखो वायलेंस है कि नहीं। इससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, जीते जी को बोला वो मर गए, कितना क्षुद्र बुद्धि है, कितना लोभी लालची घटिया इंसान है, ऐसा बोलना चाहिए किसी को। मौत तो अंत होती नहीं भाई, मौत तो जीने का अंतिम यात्रा है। जीते जी हमारे साथ तिवारी जी चाय पी रहे हैं, उनको बोलता मर गया, क्योंकि लड़ाई हो गया तुम्हें। अब लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए ना, तो भाई उनसे दूर चले जाए, उल्टा पुलटा मर गया, उससे बात बिगड़ जाती है और मुश्किल हो जाता है, कुछ कुछ बोलोगे तो, समझ गए। इसको योग विद्या में पहला सूत्र है, उसको बोलते यामा, क्या बोलते यामा, संस्कृत है, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। फिर है अपने जीवन में आप क्या करोगे, अब नहाते धोते हो, अच्छा खाते पीते हो, अच्छे कपड़े धो के पहनते हो, स्वच्छ, क्या बोलते अच्छा, तो शारीरिक हुआ, लेकिन मन से भी स्वस्थ होने चाहिए, मन सा वाचा करना, मन वचन कर्म से पवित्र होने चाहिए। तो लड़की पढ़ी होगी, बाल बच्चा माता पिता से फटाफट कुछ कुछ बोल रही हो, तो कुछ परिवार में होता है ना, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चे सीख लेते हैं। अब जैसे हमारे घर में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ पढ़ा दिए तो थोड़ा सीख लिए, और खुद अपने शौक से सीखते चले गए। तो होता है स्वच्छ, पहले क्या होना चाहिए, स्वच्छ मन को पवित्र रखो, स्वच्छ संतोष, संतोष से जीव, संतोष नहीं रहेगा तो दुख झेलोगे, खुश नहीं होगा, संतोष, स्वच्छ संतोष, तपसा, तपस्वी बोलो, कठोर परिश्रम करो, कर्म वीर पुरुषोत्तम बोलो, तपसा, स्वाध्याय, अपनी मदद खुद करो, दूसरे के भरोसे कुछ नहीं कर सकते, बता रहा हूँ। अपना जीवन में अपनी मदद हमेशा करना, दुनिया साथ छोड़ देगा तुम्हारा, लेकिन अपना साथ नहीं छोड़ना। इसीलिए गाना सुना है ना, क्या सुना है, जुदि तोर डाक सुने क्यों ना से, तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, जुदि तोर डाक सुने क्यों ना से, तबे एकला चलो, हमेशा अकेले चलो, कोई साथ चले या चले जल्दी हो ना, इसलिए मेरे दोस्त हम अकेले चलने वाले, दो साथ आते हैं तो अच्छा नहीं, जो लेकिन अकेले चलने वाले, अकेले चलने वाला अभाव, अकेले चलने वाला, अकेले चलने वाला अभाव,
शुरुआती के जब पांच मिनट पर आए तो आपने कहा कि ऐसा मतलब बताया किसी का नास्तिक, आपने ऐसा जाहिर किया कि हम वैज्ञानिक है, भगवान को नहीं मानते, ठीक है। तो जितना भी एग्जाम्पल दे रहे हैं सब उसको वेद पुराण और बालक बहुत सवाल अच्छा पूछ है। नहीं, ये सवाल देखो कि बालक बड़ा पंडित है, हमसे भी बड़ा पंडित है। अरे वो तो जिंदगी का सत्य है भाई, लेकिन तुम्हारे धार्मिक लोग तो भूल गए, सब भूल गया। वो टीका लगाएगा, चने लगाएगा, घंटी लगाएगा, चोरी करेगा, करते कुकर्म करेगा, वो याद रखना वही तो वेद है, वेद सत्य है, इटर्नल रिलीजन है, इटर्नल यूनिवर्सल रिलीजन है। वो कैसे छुपेगा बोलो, वो कैसे छुपेगा? सूर्य छुपेगा, चंद छुपेगा, सत्य छुपेगा। बोला धार्मिक, धार्मिक नहीं वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक बात कर रहा हूँ मैं। आपको साइंटिफिक नहीं लग रहा अहिंसा? अगर सबको प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा ना, लाश मारोगे जूते मिलेंगे, ये साइंटिफिक है कि नहीं भाई? इसमें धर्म क्या है? ये नैतिकता है, ये मोरालिटी है, ये करेक्टर है, इसी से जिंदगी और दुनिया जिंदा रहेगी। समझ में आ रहा है सर? लेकिन धर्म का मतलब क्या होता है सुनिए, जैसे हमारी बेटी मुस्लिम वाली है, अगर ये भी सच बोलेगी जिसके सच हमारे साथ मिल जाएंगे, अगर ये एनाटॉमी पढ़ाएगी तो ये भी वही पढ़ाएगी, हम भी वही पढ़ाएंगे, सच कभी बदलेगा नहीं बालक, समझ रहे हो? लेकिन अगर हमारे मन गलत बातें होंगी वो पूजा पाठ ये वो देश वेश वो अलग हो गया। समझ गए ना? बिल्कुल समझे ना? समझ गए ना बाबू? सच कभी बदलता नहीं, सच साइंटिफिक है। देखो बेटा, ग्रेविटी सुना, न्यूटन डिस्कवर किया। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, चंद पर जाओ, मार्स पर जाओ, वो चेंज होगा कैसे? वो दुनिया में कहीं भी जाओ अगर वो बदले नहीं तो